Good morning, everyone. This is your Nilofer, ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, as you all know, that we are doing the syllabus of internal assignment B1. Our subject is SST, and in SST, we are doing history. So, as you all have seen already, uh, that yesterday we have completed our chapter 7, and the topic of the uh, chapter was new questions and ideas. And from today, we are starting a new chapter that is chapter 8 Ashoka, the Emperor Who Gave Up War for the explanation of this chapter i have already provided you two uh, youtube links on your whatsapp group through which you can understand the whole chapter so if you want to uh, understand the whole chapter thoroughly you must have to watch the uh, both parts of the video now let's come back on the work of today in today's vi uh, video i will explain you worksheet 9

सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू की वर्ड द फर्स्ट की वर्ड इज एम्पायर मीन्स साम्राज्य अ वेरी लार्ज किंगडम इज कॉल्ड एम्पायर मीन्स एक बहुत बड़ा जो राज्य हुआ करता था किंगडम हुआ करती है वो कहलाती है एम्पायर दैट इज कॉल्ड साम्राज्य मीन्स दूसरे राज्यों की तुलना में जो ज्यादा बड़ी होती है सेकेंड इज धम्मा धम्मा इज अ प्रकृत वर्ड फॉर द संस्कृत वर्ड धर्मा सो संस्कृत का जो शब्द है धर्म मीन्स वी कैन से धर्मा अधर्म उसके लिए जो प्रकृत वर्ड यूज किया जाता था दैट इज धम्मा

सो मैसेजर्स फॉर द पर्सन हु वेंट फ्रो टू कन्वे मैसेजेस ऑफ द किंग फ्रो मींस होता है इधर उधर मैसेजर्स वो पर्सन हुआ करते थे जो राजा के जो संदेश हुआ करते थे उनको यहाँ वहां लेकर जाया करते थे Fifth one is provinces. Provinces means, होता है, प्रांत बहुत सारे विच इज प्लूरल वर्ड द किंगडम एज प्रोविंस राजा का जो राज्य हुआ करता था दैट वॉज डिवाइडेड इंट स्मॉल एरिया उसको छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड uh, कर दिया जाता था एंड दीज एरियाजर नोन एज प्रोविंज दिक्स वन इज डायनेस्टी मीन्स राजवंश When members of the same family become rulers after one another, the family is often called a dynasty. So एक जो family होती है उसके जो members होते हैं जब वो एक के बाद एक शासक बनते हैं राजा बनते हैं so तो उस family को dynasty राजवंश कहा जाता है Second exercise is fill in the blanks. सो द फर्स्ट वन इज ऑफिशियस कलेक्टेड डैश फ्राम द एरिया अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द रूलर सो ऑफिशियल जो हुआ करते थे विच आई हैलरेडी एक्सप्लेन यू दैट दे वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ द किंग ऑफिशियल क्या करते थे कलेक्ट करते थे टैक्स किस एरिया से उस एरिया से कलेक्ट uh, करते थे जो डायरेक्ट शासक मीन्स रूलर के अंडर uh, होता था सेकेंड वन इज रॉयल प्रिंसेज ऑफन वेंट टू द प्रिंसेज एज डैश सो द आंसर इज गवर्नर सो जो रॉयल प्रिंसेज हुआ करते थे वो अक्सर जाया करते थे प्रोविंसेस में कैसे गवर्नर्स के तौर पर थर्ड वन इज द मौर्य रूलर्स ट्राई टू कंट्रोल डैश एंड डैश विच वर इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट सो मौर्य रूलर्स ने ट्राई किया कंट्रोल करने का किन को जो इम्पॉटेंट uh, था ट्रांसपोर्ट के लिए दैट इज रोड्स एंड रिवर्स बिकॉज रोड्स एंड रिवर्स बहुत आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्रांसपोर्ट यातायात के लिए जरूरी है सो मौर्य रूलर्स ने सबसे पहले ट्राई किया कि वो कंट्रोल करें रोड्स को और रिवर्स को फोर्थ वन इज पीपल इन फॉरेस्टेड रीजियंस प्रोवाइडिड द मौर्य ऑफिशियल विद डैश सो जो लोग हुआ करते थे फॉरेस्टेड रीजियंस के मीन्स जंगली इलाकों के जो लोग हुआ करते थे वो जो मौर्य ऑफिशल्स होते थे ऑफिशियल अधिकारी मीन्स uh, हुआ करते थे उनको क्या प्रोवाइड करते थे एलिफेंट्स टिम्बर मीन्स लकड़ी हनी एंड वैक्स नेक्स्ट इज एक्सरसाइज टू विच इज ट्रू एंड फॉल्स सो द फर्स्ट वन इज उजैन वॉज द गेट वे टू द नॉर्थ वेस्ट उज्जैन जो था वो नॉर्थ वेस्ट का गेट वे था दैट इज फॉल्स बिकॉज गेट वे ऑफ द नॉर्थ वेस्ट सेकेंड वन इज चंद्रगुप्ता आइडियाज वर रिटन डाउन इन द अर्थशास्त्रो फॉल्स अर्थशास्त्र में चाणक्य के आइडियाज लिखे थे नॉट ऑफ चंद्रगुप्त थर्ड वन इज कलिंग वॉज द एंशियंट नेम ऑफ बंगाल कलिंग जो है वो बंगाल का प्राचीन नेम है इट इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज कलिंग वॉज द एंशियंट नेम ऑफ उड़ीसा फोर्थ वन इज मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन्स आर इन भ्रमी स्क्रिप्ट सो ज्यादातर जो अशोकन इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन मीन्स होते हैं शिला लेख जो पत्थरों पर खुदे हुए उपदेश होते हैं सो so, ज्यादातर जो अशोकन इंस्क्रिप्शन हैं वो भ्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं दैट इज ट्रू सो दीज वर द की वर्ड्स एंड एक्सरसाइज रिलेटेड टू चैप्टर एट I hope everything is clear to all of you if still any confusion is there so you can ask me on the whatsapp also so I'll meet you in the another explanation video till that keep learning stay home stay safe bye bye everyone